हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं सुपर कंसेप्ट सीरीज। तो दोस्तों, सुपर कंसेप्ट सीरीज का पार्ट वन पढ़ रहे हैं और उसमें पढ़ रहे हैं हम दोस्तों हम नाउन। तो दोस्तों, नाउन का पार्ट वन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यदि दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों प्लीज़ उसको जाकर एक बार वॉच कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने सुपर कंसेप्ट सीरीज में जबरदस्त ट्रिक, जबरदस्त कंसेप्ट पढ़े हैं हमने पिछली वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों नाउन का पार्ट टू। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना नाउन का पार्ट टू, जिसमें हम देखते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट और कुछ ट्रिक्स। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो पहले है सबसे दोस्तों कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है दोस्तों? काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसमें जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि वन हो गया, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, फ्यू, मैनी, ये क्या है? ये दोस्तों है काउंटेबल नाउन, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी गिनती की जा सकती है, वो क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों अपने पास अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं दोस्तों? अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, नॉट काउंटेबल। ठीक है दोस्तों, तो वो होते हैं अपने अनकाउंटेबल। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? अनकाउंटेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन को हम नहीं गिन सकते। यूं थोड़ी ना कहते हैं कि 1 किलो ऑक्सीजन, 2 किलो ऑक्सीजन, तो इनको, इनकी गिनती हम नहीं कर सकते, इसलिए क्या ये अनकाउंटेबल है। मिल्क, दूध की, दो दूध दूध भी क्या है? अनकाउंटेबल है। अब आप कहोगे कि सर दूध तो काउंटेबल भी हो सकता है, क्योंकि 1 किलो दूध, 2 किलो दूध, तो वहाँ पे यदि आप स्पेसिफाई करते हैं कि 1 किलो दूध है, 2 किलो दूध है, तो वो काउंटेबल आ जाता है। लेकिन दोस्तों मिल्क को हम कभी भी नहीं गिन सकते, वो क्या होता है? अनकाउंटेबल। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए फर्नीचर, ये भी क्या है? अनकाउंटेबल है। तो ये क्या हो गया अपना अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन। ठीक है दोस्तों, अब अनकाउंटेबल नाउन के बारे में दो जबरदस्त कंसेप्ट देखिएगा। अनकाउंटेबल नाउन मेक्स नो प्लूरल, इनका प्लूरल नहीं बनता। ठीक है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। दूसरा कंसेप्ट क्या है इसका? दूसरा कंसेप्ट है मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों ही क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, जो हमने अभी टाइप पढ़े थे अपने पिछली वीडियो में नाउन के, उसमें मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बीच में, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाती है। ठीक है, देखिएगा एडजेक्टिव, काउंटेबल नाउन में एडजेक्टिव जैसे कि मैनी, फ्यू, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये किस में आएंगे? ये काउंटेबल में नाउन में आएंगे, इनको हम काउंट कर सकते हैं। और मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ, ये किस में आएंगे? ये आएंगे अपने अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अपने जो एडजेक्टिव होते हैं जैसे कि मैनी, फ्यू, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये काउंटेबल नाउन में आएंगे, इनकी गिनती हम कर सकते हैं। मैनी बहुत सारे, फ्यू मतलब बहुत कम, ठीक है, तो हम इनको गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे मच, लिटल, क्वांटिटी ऑफ। ठीक है दोस्तों, अब अगला कंसेप्ट क्या है? अगला कंसेप्ट कह रहा है कि आर्टिकल ए एंड द कैन बी यूज, यानी काउंटेबल नाउन में तीनों आर्टिकल अपने यूज होते हैं, ए एन और द। लेकिन दोस्तों, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में सिर्फ द का यूज होता है, ए और एन का यूज नहीं होता। बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है दोस्तों, इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है, क्योंकि ये कंसेप्ट एरर पार्ट में आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं अपने, उसमें चलिए दोस्तों देखते हैं अपन। तो अब देखिएगा दोस्तों, हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो इसके ऊपर स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना पहला ज़बरदस्त कंसेप्ट। देखिए दोस्तों, पहला ज़बरदस्त कंसेप्ट आ रहा है अपने पास कि वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों?
यदि सेंटेंस में वन ऑफ द आता है तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है दोस्तों, इसकी ट्रिक देखिएगा दोस्तों, जो मैंने ट्रिक बनाई है बहुत सुपर ट्रिक है दोस्तों, ये आपको मज़ा आ जाएगा ट्रिक सुन के। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिएगा कि पांच बंदे यानी पांच दोस्त बैठे हैं, ठीक है, तो ये पांच बंदे बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, और हम ये अब ये जो पांच बंदे बैठे हैं ये क्या हैं, ये क्या हैं, ये है प्लूरल है, पांच हैं तो प्लूरल है, तो नाउन कैसा हो गया, प्लूरल, ठीक है। और यदि हम किसी को बुलाते हैं यानी वन ऑफ देम, हम किसी एक को बुलाते हैं यहाँ पे, ठीक है, किसी एक को बुलाया कि भाई राहुल तू आ जा, मतलब किसी एक को बुलाया, वन ऑफ द मतलब पांचों में से किसी एक को बुलाया, तो किसी एक को बुलाना यानी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और ये पांच बंदे बैठे हैं, पांच बंदे बैठे हैं ये हैं प्लूरल नाउन, और यदि किसी एक को बुला लिया तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो बहुत ज़बरदस्त ट्रिक दोस्तों, इस ट्रिक से आप इस रूल को याद रखिएगा कि वन ऑफ द मतलब पांचों में से किसी एक को बुलाया तो वर्ब सिंगुलर, और पांच बंदे हैं तो नाउन प्लूरल। अब एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, वन ऑफ द डैश इज नॉट सीरियस अबाउट स्टडी, कि एक वन ऑफ द इज नॉट सीरियस अबाउट स्टडी, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है दोस्तों, स्टार्क मार्क कर लीजिएगा इसको। देखिएगा, पहला ऑप्शन है अपने पास स्टूडेंट, सेकेंड है स्टूडेंट्स, थर्ड है मैनी स्टूडेंट, और फोर्थ है नन ऑफ दीज, तो इसमें आएगा दोस्तों अपने पास स्टूडेंट्स, क्योंकि वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आता है और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट था दोस्तों ये, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला देखिएगा अपना दोस्तों, अगला है कंसेप्ट टू। कंसेप्ट टू क्या कह रहा है दोस्तों, कंसेप्ट टू कह रहा है कि ईच एवरी प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ये कह रहा है दोस्तों यदि सेंटेंस में ईच एवरी आ जाए तो वहाँ पे नाउन भी सिंगुलर होगी और वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल के साथ इसकी ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, जो कि मैंने नीचे दी हुई है। देखिए दोस्तों ट्रिक क्या है अपने, हमने कहा एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल देखिएगा, ईच बॉय डैश इंटेलिजेंट इन द क्लास, ईच बॉय डैश इंटेलिजेंट इन द क्लास, तो हमने कहा कि इस क्लास रूम के अंदर ईच बॉय इंटेलिजेंट है, यानी कोई ऐसा लड़का है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो कैसा होगा, ईच बॉय यानी कि वो लड़के लड़कों की बात कर रहा है, सिर्फ सिर्फ लड़कों की बात कर रहा है यहाँ पे, ये किसके सेंस में आया, ये सिंगुलर नाउन के सेंस में है, यहाँ पे बॉय है यानी सिर्फ बॉय को स्पेसिफाई कर रहा है कि वो इंटेलिजेंट है, तो उसके सेंस में आएगा यहाँ पे दोस्तों सिंगुलर वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक दोस्तों कि ईच या एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, जैसे कि इस एग्जांपल में हुआ है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी एक एक्सेप्शन है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त है एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा दोस्तों इसको। एक्सेप्शन क्या कहती है, एक्सेप्शन है कि ईच एवरी के बाद यदि ऑफ आ जाए ना, ईच एवरी के बाद यदि ऑफ आ जाए तो नाउन प्लूरल होगी वहाँ पर, तो नाउन प्लूरल होगी और वर्ब अपने सिंगुलर ही रहेगी। बहुत बढ़िया एक्सेप्शन है दोस्तों कि यदि ईच या एवरी के बाद ऑफ आ जाए तो नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होगी, यदि सिंपल ईच एवरी रहता है तो वहाँ पे नाउन भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है। तो इसकी ट्रिक बनाई है दोस्तों मैंने, एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक को। ये ट्रिक क्या है कि एड सम मतलब मान लीजिएगा कि ईच एवरी का रूल था अपने पहले बार, पहले जो ईच और एवरी का रूल था, ठीक है, उसमें हमने कुछ ऐड ही किया है ना, ऑफ ऐड हुआ है, तो मान लीजिए यदि कुछ ऐड हुआ है तो यानी कि वो नाउन कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है, ईच एवरी के साथ कुछ ऐड कर दिया तो नाउन कैसा हो गया, प्लूरल हो गया और वर्ब अपने वही सिंगुलर है। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सेप्शन दोस्तों, देखिएगा एग्जाम्पल देखिएगा नीचे, एग्जाम्पल है ईच ऑफ द बॉयज डैश इंटेलिजेंट, यानी कि ईच के बाद क्या आ गया दोस्तों, ऑफ आ गया, तो नाउन कैसी होगी अपनी, प्लूरल हो गई,
और अब देखिएगा इसके आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा इज, क्योंकि वर्ब तो सिंगुलर ही रहेगी, वर्ब तो सिंगुलर ही रहेगी। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है दोस्तों अपना, कंसेप्ट नंबर 2। अब देखिए दोस्तों कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, कि ऐसी चीजें जो दो हिस्सों से मिलकर बनी हो, ऐसी चीजें यानी जो दो हिस्सों से मिलकर बनी हो, और यदि हम उसमें से एक हिस्से यानी एक पार्ट को हटा दें तो दूसरा बेकार हो जाता है, मीन्स दूसरे पर इफेक्ट पड़ता है, वहाँ हमेशा प्लूरल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी चीज़ें जो दो हिस्सों से मिलकर बनी हो, जैसे कि एग्जांपल में देखिएगा पैंट्स, पैंट्स क्या है दोस्तों, दो हिस्सों में मिलकर बनी है, और यदि उसका एक हिस्सा हटा दें तो दूसरा हिस्सा अपने आप बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो बद्दी लगेगी, तो एक एक हट गया तो दूसरा बेकार भी होगा और दूसरे पे इफेक्ट भी पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, शर्ट्स हैं, शर्ट के भी दो हिस्से होते हैं, यदि उसमें से एक को हटा दें तो दूसरा बेकार हो जाता है। टोंग, चिमटा, ठीक है दोस्तों, चिमटा भी क्या है, चिमटे का यदि एक पार्ट हटा दे तो किसी काम का रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये कंसेप्ट वही कह रहा है कि ऐसी चीज़ें जो दो हिस्सों से मिलकर बनी हो और यदि उसमें से एक हिस्सा हटा दें तो वो जो दूसरा हिस्सा बचता है उसका, वो अपने आप बेकार हो जाएगा, यानी उस पर इफेक्ट पड़ेगा। पिंसर्स क्या होता है दोस्तों, पिंसर्स गंडासी होती है, जो कि आपने गाँव में देखी होगी, स्पेक्टिकल्स, चश्मा, ट्राउजर्स होते हैं, गैलोज और बायनाक्यूलर्स, ये दूरबीन। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्या हैं, दो हिस्सों से मिलकर बनी होती हैं, यदि इसमें से एक हिस्सा हटा दिया जाता है तो दूसरा अपने आप बेकार हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल क्या कह रहा है, वेयर डैश माई पैंट्स, तो इसमें क्या आएगा, वेयर डैश माई पैंट्स यानी किस कह रहा है कि मेरी पैंट कहाँ है, तो पैंट क्या है दोस्तों, दो दो हिस्सों से मिलकर बनी है, तो सीधी सी बात है इसमें क्या आएगा, हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है वेयर आर द टोंग्स, ठीक है, चिमटा कहाँ पे है, तो टोंग्स आ गया यहाँ पे, तो टोंग्स आ गया, तो क्या आएगा इसमें, प्लूरल नाउन आएगा। बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट दोस्तों। अगला कंसेप्ट देखिए दोस्तों, अगला कंसेप्ट क्या कहता है, यदि सराउंडिंग्स, थैंक्स, सेविंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, उमेंस, उमेंस होता है दोस्तों संशोधन, आर्चिव्स, बेलोज, ये बेलोज होती है फूंकने, ठीक है, यदि ये वर्ड्स सेंटेंस में आते हैं तो उसके साथ हमेशा क्या आएगी, हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सेप्शन है, ये कह रही है कि यदि वेग्स, वेग्स के दोस्तों दो अर्थ होते हैं, एक होता है मजदूरी और एक होता है परिणाम, तो मजदूरी के अर्थ में वेग्स के साथ आएगा प्लूरल और परिणाम के सेंस में आएगा सिंगुलर। जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, वैक्स डैश पेड इन कैश, तो इसमें किसकी बात हो रही है, मजदूरी की, पैसों की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ गया आर, आर आ गया, ठीक है, और परिणाम के सेंस में सिंगुलर के साथ आता है, तो वैक्स ऑफ हार्ड वर्क डैश स्वीट, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके साथ इज आ गया, क्योंकि परिणाम के रूप में दोस्तों वैक्स के साथ क्या यूज होता है, सिंगुलर यूज होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि यार रूल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों अगला रूल, अगला है क्या कहता है, अगला कंसेप्ट है कि कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। ये रूल कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन उनके अर्थ हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऐसे वर्ड्स कौन से हैं, जैसे कि न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मम्प्स, मिसल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथेटिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक। तो दोस्तों फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मम्प्स ये क्या हैं दोस्तों, ये हैं अपने सब्जेक्ट, तो ऐसे सब्जेक्ट जिनके लास्ट में एस आता हो, जिनके लास्ट में एस आता हो, ऐसे हमको दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका यूज हमेशा सिंगुलर के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त ये न्यूज़ वाला एग्जांपल दोस्तों आपके एग्जाम में आ चुका है पहले, तो क्या कह रहे हैं, नो न्यूज़ डैश गुड न्यूज़, तो यहाँ पे दोस्तों न्यूज़ हमें लग रहा है कि हमें प्लूरल जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन दोस्तों इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर के रूप में होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा,
इस जाएगा। और अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल क्या है, पॉलिटिक्स डैश ए डर्टी गेम। तो पॉलिटिक्स मैंने अभी बताया आपको कि ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषय जिनके लास्ट में एस आता हो, जैसे कि पॉलिटिक्स के लास्ट में एस आ रहा है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स या सिविक्स, तो ऐसे सब्जेक्ट जिनके लास्ट में एस आता हो वहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर का यूज होगा, यानी क्या आएगा यहाँ पे, इज आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, कि बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट देखे दोस्तों हमने आज। तो जैसे मैंने दोस्तों आपसे वादा किया था कि तो जैसे दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि हम हर वीडियो में पढ़ेंगे अपनी वोकेबुलरी, तो आज की सुपर वोकेबुलरी का पार्ट 6 देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने मीनिंग्स लिखे हैं इन दोस्तों, आप इनकी स्पेलिंग भी ढंग से देखते जाइएगा और इनकी मीनिंग भी याद रखिएगा, स्पेलिंग प्लस मीनिंग, यानी अपने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे, स्पेलिंग करेक्शन और इनके अर्थ भी पूछे जाते हैं, यदि अर्थ याद है आपको तो एंटोनिम सिनोनिम दोनों करेक्ट होंगे अपने। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वोकैबुलरी प्रोवाइड की थी, आज के वीडियो में हम साथ के साथ पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला है कि अबनेक्शन, अबनेक्शन क्या होता है दोस्तों, अधिकार त्याग देना। दूसरा है अपने पास अबोड, अबोड होता है निवास, जहाँ हम रहते हैं, निवास स्थान अपना अबोड। ठीक है दोस्तों, तीसरा है अबोलिश, अबोलिश यानी कि समाप्त कर देना, हटा देना। फोर्थ है आपका अबोमिनेबल, घृणित, वेरी बैड और अनप्लीजेंट। ठीक है दोस्तों, अब ओरिजिनल, आदिवासी, अबोर्टिव जो कि असफल यानी बेकार, अधूरा, फ्रूटलेस, दोस्तों फ्रूटलेस को अभी अबोर्टिव कहते हैं, ये दोस्तों फ्रूटलेस आ चुका है आपके एग्जाम में एक बार, ठीक है, ये सिनोनिम के रूप में आया हुआ है। सेवन्थ है दोस्तों अब्रेजिव यानी घिसने का सामान, सब्सटेंस टू यूज, रब करना यानी घिसना। एट्थ है दोस्तों आपके पास एब्रिज यानी कि संक्षिप्त, छोटा, शॉर्टन रूप, एब्रोगेट यानी कि ख़त्म करना, और अबसिक्शन यानी कि कटिंग करना, चीर फाड़ करना। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के अपने सुपर सुपर वोकैब। ठीक है दोस्तों, सुपर वोकैब के 10 मीनिंग, तो आई होप दोस्तों आपने इन्जॉय किया होगा वीडियो को, तो प्लीज़ दोस्तों इसको शेयर कर दीजिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। धन्यवाद देखने के लिए और जय हिंद।